आ गई काम की बैरी। हाथ उठा, मैंने भी धोए थे। गंदे हो गए तेरे हाथ मेरे छुने से। गंदे तो नहीं हुए, पता क्या है, खुदरी चीज मेरे हाथों को लगती है ना तो तकलीफ होती है। हाय हाय, बड़े रेशम के बने हाथ हैं तेरे। हाथ ही नहीं पलिए लोग, मैं तो सारा ही बोस्की का थान। लड़की अपनी तारीफें किया करती है इस तरह, किसी मर्द के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों, लड़कियों ने खूबसूरत होने का ठेका ले रखा है, मर्द भी एक से एक पड़ा है आला इस दुनिया में, वैसे ही बेचारे को तारीफ करवाने की आदत नहीं होती। तो अभी आदत नहीं, कम से कम तू तो मत कह। अपने दिल पे हाथ रख के बता, है कोई मुझ जैसा इस पूरे गांव में? पहले मेरी मां का सिक्का चलता था इस गांव में, अब नवाब नवाब होती फिरती है। सच बता, है कोई मुझ जैसा? बहुत, पर एक बात है। क्या बात है? मेरी नजर ही कमजोर है, नजर भी आया तो एक तू ही आया, तेरे बाद मैं ही अंधी हो गई। नवाब बेटा, अरे भैया, नवाब बेटा, तेरी मां को करवट करवट जन्म नसीब हो, अल्लाह तेरा मुकद्दर भी खुले। ए बेटा, मेरी आदि तो छोड़ दे घर तक। हाँ मेरा बच्चा, सारे गांव में तुझे मैं ही पाली नजर आता हूँ चाची। जा मेरा सुन, जा मैं सदके में वाली छोड़िया मेरी बाल्टी घर पे। इतना पानी क्यों है, आधे रास्ते तक तेरा सांस फूल पाए। हाय बेटा, बुढ़ापे में यही लालच को मारता है, दो लुक में हजम नहीं होते और चार रोटियों का चस्का पड़ जाता है, रुपया पैसा काम का नहीं रहता पर गांठ नहीं खुलती पल्ले की, कभी तकिए तले कभी पाए तले कभी फर्श खोद कर कभी ममटी के अंदर आदमी छुपा के रखता है अपनी पूंजी। आए मेरे बच्चे, मैंने भी लालच किया कि मुझे दो चक्कर ना लगाना पड़े, एक ही बार भर ली मैंने बाल्टी। जाना सबके जाऊ छोड़िया, आज छोड़ने जा रहा हूँ, कल छोड़ने नहीं जाऊंगा चाची। आए जा बेटा, कल किसने देखी, जा जा, तेरा अल्लाह भला करे, अल्लाह तेरा मुकद्दर खोले, तेरे रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह तुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। सुबह तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं मसी को बुरा ले रही थी। तो उठा बुरा, भाग यहाँ से। तेरे घुटने का क्या हाल है? पता है मुझे, जैसी तू खैर खा है ना मेरे घुटने की। चल उठा बुरा और भाग यहाँ से। अजी तो इस नखट्टू काम चोर आराम तलब से तेरा क्या मतलब? इसके सारे साथी तो घर बार वाले हो गए और ये मुश्तंडा अभी छड़ा फिरता है। कोई अपनी मर्जी से घर बार वाला थोड़ी होता है, अल्लाह की मर्जी होती है मासी। गाय भी खूंटे पे बांधो ना तो वो भी मुफ्त दूध नहीं देती, खिलाना पिलाना पड़ता है उसको। कुत्ता भी मुफ्त में चौकीदारी नहीं करता, दो वक्त की रोटी मांगता है। अरे टहल सेवा तो बूटे की भी करोगे तो मेवा खाओगे। और औरत तो बेचारी घर संभालती है, नस्ल चलाती है, वो कुछ नहीं मांगेगी इस ठाली से। अरे तीन वक्त फाका करेगी ना तो फिर एक वक्त जौ की रोटी खाएगी इस घर में। वाकई से किसी के साथ बैठ के जौ की रोटी भी अच्छी लगती है। जौ की रोटी भी अच्छी लगती है। अरे दूध मक्खन पे पाला तेरी माँ ने तुझे, सदा नारियल का तेल डाला तेरे सर में, खली से नहलाया तुझे, हाथी दांत की कंघी फेरी तेरे बालों में। अरे लग जाएगा पता तुझे। पर खराबी क्या है मासी नवाब में? मानसिक है कोई सारे गांव में जैसा? मर जा उसकी शक्ल सूरत पर, मर जा उसके हुस्न पर, चार दिन की चांदनी पर हो जा बेहोश, पर पेट नहीं भरेगा दीदों की ठंडक से, रोटी कपड़ा मांगेगा तेरा तन भी। कई बार कहा कि बाहर जा बेटा, आवाज दे, फेरी लगा, कोई टूटी चुगाट, कोई पीढ़ी, कोई खाट मरम्मत कर, पर फर्नीचर बनाएगा पूरन मासी का चांद। मैं तो कहती हूँ जा, जिद छोड़ दे, बुरा उठा और घर जा, इधर ना आया कर खामखा। जो काम उसे आता है वही करेगा ना मसी,
अब सारे गांव में कोई मेज कुर्सी बनवाने वाला ही ना हो तो इसमें नवाब का क्या कसूर? जो मर्द कंघी पट्टी में लगा रहे ना उसके पीछे चल के औरत ख्वार होती है। जो हजामत बना के बार बार शीशा देखे, नए कपड़े पहनकर लड़कियों वाली गली में से गुजरे, बार बार कलाई की घड़ी देखे, जूते झाड़े, रुमाल से मुंह पोंछे, हुक्का भी पिए तो वो भी मुंह दाब दाब कर धुएं छोड़े। अरे अरे ऐसे मर्दों को कमी रही है औरतों की, क्यों चली है हराम मौत मरने? जा जाके आराम से माँ का कहना मान, फजलदीन जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें उम्र भर। फजलदीन बजावे बीन, बीन भी ऐसे नहीं बजती, नामे से बजती है। हाय 25 घुमाओ जमीन है उसकी, ना सास ना नंद, और ये ससुरा मिट्टी पलीत करने वाला। अरे बाल बुद्धि छोड़, माँ का कहा मान, माँ के पैरों तले जन्नत होती है। माँ से दुआ कर हमारे पैरों तले भी जन्नत हो, जल्दी से हो जाएगी जन्नत भी, हो जाएगी। पर जा जाके माँ का कहा मान, जा जा रही हूँ मौसी। क्या बात है? चाची वो रास्ते में जमील मिल गया था, क्या लगा मेरी बाई गाल पर तिल निकल आया है, कोई इलाज कराऊं, उसको देख रहा हूँ। देखे जा ना किसी मनचली रॉन्ड की तरह, मरे जा अपने अक्स पर। हैं तू तालाब का कमल हो गया है, दो कोड़ी का तरखान, घड़ी मुंह देखे बिना चैन भी तुझे है? छोड़ चाची, मार क्यों रही है, बात क्या है? तुझे अपनी फिक्र, तुझे क्या किसी की परवाह, लगा ले अपने तन को अपने साथ, देख चूम अपने आप को, सूरज मुखिया जला तपा के मारेगा, जला तपा के मारेगा सुबह को। ओ, छोड़ बात क्या है? बात क्या है जी चाहता तेरा गला ऐसे दबाऊं कि तेरे ये चमकते हुए दीदे बाहर उबल पड़े, जिन आंखों से नजर ना आए उन आंखों का फायदा क्या? ओहो चाची, काली बिल्ली अलार्म कराई है? तेरे जैसा भूरा बिल्ला हमारे जमाने में भी एक हुआ करता था हमारे गांव में। हाय कनक के सिट्टे जैसे तो बाल थे उसके, कंच जैसी रंग बिरंगी आंखें थी उसकी, कभी हरी कभी नीली, फिर लग गई उसको बद्दुआ किसी की। किसकी बद्दुआ चाची? लग गई किसी की, तू क्यों पूछता है? तू ही कल जीवी है इस गांव की, तेरी ही लगी होगी बद्दुआ 303 की तरह। अच्छा चल, लग गई बद्दुआ किसी की, अपने ऊपर आशिक हो गया था दीवाना। अपने ऊपर आशिक? रो रो कर अपने ही हाथ पांव दिन रात चूमता, भला अपने से मोहब्बत किए पर ठंड थोड़ी पड़ती है। पागल हो गया था दीवाना, घोड़े से गिर के मरा है वो। घोड़े से गिर कर? जब लोग उसकी लाश लेकर आए तो मुंह पर कपड़ा डालकर थूकते आए, बसांत आती थी उससे। तेरा भी हाल हुई होगा, तू देखता रह शीशा, चूम अपने आप को। ओहो चाची, मैं जितना तेरा लिहाज कर रहा हूँ तू उतने ही सर पे चढ़ती आ रही है। उधर फजलदीन ने दहलीज तोड़ दिए सुबह के घर के, फेरे डाल डाल कर कैसा भी कोई कला हो फतह हो जाता है जो महासरा किए रहो तो। फजलदीन, उसका मुझसे क्या मुकाबला चाची, उसके चेहरे पर तो माता के दाग है। इन्हीं दागों की शोभा किया करेगी सुबह सारे गांव में। फजलदीन ने 5000 देना किया है सुबह की माँ को। 5000? मैंने समझाया सुबह की माँ को, वरना वो तो पकड़ने लगी थी पैसे। 5000 दूंगा, 10000 दूंगा, जान दे दूंगा चाची। 5000 तू देगा, 10000 तू देगा, जान देगा तू अपनी? अरे जा। यहाँ कौन खरीदेगा फर्नीचर, प्यास से तो रोटी खाते फिरते हैं। बोल मेरी राह देखेगी कि नहीं? देखूंगी, लेकिन कितने बरस? दिनों में रुपया इकट्ठा होगा, वो तो मैं तुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सका।
ورنہ اس فضل دین کی کیا ضرورت. کتنا برس نواب؟ کچھ تو بتا جا. جب تیرے بالوں میں پہلا چاندی کا بال آ جائے نا تو سمجھ لینا میرا وعدہ ٹوٹ گیا. پھر میری راہ نہ دیکھنا. تو سفید بال جلدی آ گیا نواب. تو مجھ سے پہلے نہیں آ پائے گا سفید بال صبح. میری محبت کمزور ہی صحیح پر بڑھاپے جتنی کمزور نہیں ہے. کوئی ہے؟ اللہ کا پیارا کوئی اللہ کا بندہ ہے. کوئی ہے؟ اسے جنات نے تعمیر کیا ہے اور وقت آنے پر ہم خود اس میں چلے جائیں گے اور پھر وہ اس قبر کو اڑا لے جائیں گے اور ہمارا یہاں کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. آپ کب سے یہاں ہیں؟ تم یہ سب پوچھ کر بالفرض وہاں پہنچ بھی گیا تو کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا؟ کمانے جوگا بننے تک میرا کیا بنے گا جی؟ ابھی سے ہار گئے بودے آدمی. کال ہارنا بہت آسان نبھانا بہت مشکل. محبت کرنا آسان نبھانا بہت مشکل. سہارا دینا بہت آسان ہے لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل. جاؤ. میں کال کا سچا ہوں مائی بلوری جی. کتنا سچا؟ ہر ڈال ایک حد تک اور ایک وقت تک وزن برداشت کرتی ہے. میں کال کے بوجھ تلے ٹوٹ سکتا ہوں مڑ نہیں سکتا. آزمائش شرط ہے. آزما لیجیے. لو یہ 100 روپے لو. اس سے کام چلاؤ اور جس دن تمہارے پاس 200 روپے جمع ہو جائے ہمیں لوٹا دینا. یاد رہے گا؟ یاد رہے گا مائی گلوری جی. ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم دیکھیں لوگ کس طرح کال نبھاتے ہیں کس طرح ٹوٹتے ہیں کس طرح مڑتے ہیں. آپ مجھے معاملے کا پکا پائیں گے؟ ہم انتظار کریں گے تمہارا. ایک ایسا ہی وعدہ میں پہلے بھی کر کے آیا ہوں مگر یہ کیا ہوا؟ آپ میرا کب تک انتظار کریں گی؟ قسمت کا کیا
200 रुपए बने ना बने आप समझेंगी मैं झूठा हूं। मेरे पास अगर रुपए इकट्ठे ही ना हुए तो मैं खामखा झूठा हो गया ना जी। तुम्हारे रुपए इकट्ठे होंगे ये हमारी दुआ है और हम मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करेंगे ये हमारा वादा है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका? अभी उसका वक्त नहीं आया जाओ। चंद निकलेगा चंद दिनों में। तुम ये ऐसी लड़की नहीं है जिसकी जबरदस्ती शादी की जा सके। कभी सुबह बहुत याद आती है तुम्हें। कभी कभी तो बहुत याद आती है जी और कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता हूं। उसकी की हुई बातों को दोहराने के लिए कई जतन करता हूं पर गांव की जिंदगी तो एक ख्वाब से लगती है जी। गर्मियों की दोपहर का खुली आंखों से का ख्वाब जी। कभी तुम्हारे दिल में मेरे साथ चलो उसका ख्याल छोड़ दो जो तुमसे 5,000 रुपया मांगती है। कितने बरस नवाब कुछ तो बता जा। जब तेरे बालों में पहला चांदी का बाल आ जाए ना तो समझ लेना मेरा वादा टूट गया। फिर मेरी राह ना देखना। और जो सफेद बाल जल्दी आ गया नवा तो मुझसे पहले नहीं आ पाएगा सफेद बाल सुबह। मेरी मोहब्बत कमजोर ही सही नहीं पर बुढ़ापे जितनी कमजोर नहीं है। इंतजार कर रही हूं। तुम वादा करके नहीं आते क्यों? मेरा इंतजार करना छोड़ दो मैं वापस जा रहा हूं। कहां? अपने गांव। करते थे कि सारी उम्र नंदनापुर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं तो बहुत कुछ कहा करता था लेकिन समझता नहीं था कि मेरी जबान से क्या निकल रहा है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि तुम्हारे पास वापस ले जाने के लिए एक पैसा भी नहीं।
मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम समझती हो। मैंने हमेशा अपना बैंक अकाउंट तुमसे छिपाए रखा। अभी भी मेरी जेब में 24,000 का ऐसा चेक मौजूद है जिसे सिर्फ मैं कैश करा सकता हूं। तुम तो कहा करते थे? मैं तो बहुत कुछ कहा करता था। देखो, इस शहर में और भी बहुत से खूबसूरत मर्द मौजूद हैं। तुम सुबह की तरह अंधी बनने की कोशिश मत करो। सारी बस्ती आबाद है। तुम किसी दर पे दस्तक दोगी, तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ, चले जाओ, जरूर जाओ, लेकिन याद रखना, अगर दुआ में असर है तो बददुआ का वार भी कभी हल नहीं जाता। या मेरे वाला, कोई कोई है? कोई है अल्लाह का प्यारा? कोई कोई है या मेरे समझ रहे हो हम कहाँ हैं? आप तो बाहर चबूतरे पर, मैं क्या खुदा ना खास्ता। अल्लाह का शुक्र है हम मर गए। खुदा ना खास्ता क्यों? बाहर ना वो चबूतरा रहा ना वो कब, मैं तो परेशान से हो गया था। तुम हमारे लिए परेशान नहीं हुए, हमसे झूठ मत बोलो। तुम इस कागज के लिए परेशान हो। मादी इंसानों को ऐसे कागज के पुर्जों से बहुत लगाव होता है। लो और जाओ। आप तो भाई बुलोरी है। अब याद आया जब हम बाकी नहीं रहे। मैंने आपसे एक वादा किया था, मैंने 100 रुपया देने थे आपके। रहने दो, हमने तो तुम्हें तुम्हारा कॉल याद दिलाने के लिए बुलाया था। लेकिन अगर ये तुम्हारा चेक ना गुम होता तो तुम्हें याद ना आता। आप मुझे अपने कदमों में रहने दें, मैं आपकी बड़ी खिदमत करूं। हम यहाँ खिदमत करने के लिए आए हैं, हमें तुम्हारी खिदमत की कोई जरूरत नहीं। यहाँ आकर मेरे दिल से मनोबोझ दूर हो गया है। मैं बिल्कुल फूल की तरह हल्का तरोताजा हो गया। जाओ। इतनी जल्दी? तुम्हें क्या मालूम यहाँ का हर एक पल कितना लंबा होता है और बाहर की कायनात कितनी तेजी से घूम चुकी है सरसे में। लेकिन याद रहे, वादे का पास सुन्नत रसूल है। और ये भी याद रहे, कोई ऐसा वादा न करना
जिसे पिछले वादे की नफी होती हो। अब जाओ। मैं जाना नहीं चाहता। ये दुनिया गोश्त पोश्त के इंसानों की नहीं है। जाओ। जी कौन है तू? इधर आ मेरे पास। बड़ी जानी पिछानी आवाज है तेरी। तू सुबह सुबह किसने बताया? मुझे पता था तू नहीं। कौन है तू? मैं बिछड़े हुए वक्त की आवाज हूँ। सुन, तुझे पहचान लिया। वही आंखें, वही बाल, वही आवाज, पर तुझमें वो बात नहीं जो उसमें थी। किसमें थी सुबह? तेरे दादा मेरे। क्या बात थी मेरे दादा में? वो क्या करेगा पूछ के? अब क्या रखे इन बातों में? वो तो पूरा माशी का चांद था, जिसकी रोशनी में गांव की सारी लड़कियां नाचती फिरती थी। चांद तो हमेशा सफर में रहते, कभी घटते कभी बढ़ते। एक जगह चांद तो हमेशा सफर में रहते, कभी घटते कभी बढ़ते। एक जगह थोड़ी खड़ा रहते कभी। तू भी नाचा करती थी उसकी रोशनी में। अब तो क्यों डसने लगा मुझे पुरानी याद बनकर? यहां से चला जा, ये अच्छा गांव नहीं है। तू भी मद्रापुर चला जा। दादा तो कहता था तू उससे बहुत प्यार करती थी।
مرد کی ذات بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے، عورت توحید پرست ہے، اس کا دل چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے اس کے لہو میں رنگا ہوا، پر اب کیا فائدہ، جا اس کام میں تیرا بھلا نہیں ہوگا، یہاں صوبہ کی آہیں پھرتی ہیں ہر طرف، کہیں تجھے نہ ڈس لے۔ تو نے دادا کا انتظار کیوں نہیں کیا صوبہ؟ کیا، بہت کیا، پہلے پہل جب میرے بالوں میں سفید بال آنے لگے تو میں روز نوچ نوچ کر انہیں علیحدہ کر دیتی، پھر چوری چوری رنگنے لگی، پر جب آدھا سر سفید ہو گیا تو پھر میں ہار گئی۔ آدھا سر؟ تو کیا سمجھے گا ان باتوں کو، چلا جا اس گاؤں میں سے، مت رہ، تو بھی پورماشی کا چاند ہے اور میری جوان نواسیاں بھی پاگل ہیں میری طرح، اندھی ہے، چلا جا یہاں سے، بس میری تو یہی خواہش ہے۔ تیرا دادا زندہ ہے کہ مر گیا؟ زندہ تو ہے صوبہ، لیکن سمجھ لے مر گیا۔ ہاں، بڑھاپے میں کوئی زندہ تھوڑی رہ جاتا ہے۔ ایک بالٹی تھا بوجھ تو یہ ہاتھیں اٹھا نہیں سکتے، ساری زندگی کا بوجھ کیسے اٹھے اس جسم سے۔